Hey guys, welcome to the Android Guide channel. So guys, Windows 11 जो है वो 24 जून को जो है वो अनवील होने वाला है और उस दिन जो है वो ये लॉन्च कर दिया जाएगा Windows 11. और Windows 10 ऐसा बताया जा रहा है कि Windows 10 का जो डेडलाइन है वो 2025 तक है, तो 2025 तक जो है वो इसका जो है वो सर्विसेज और इसके अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे और उसके बाद वो Windows 10 भी जो है वो डेड हो जाएगा. और Windows 11 का बोला जा रहा है कि 24 जून को इसको अनवील किया जाएगा और अभी जो है वो ये इनसाइडर प्रोग्राम के थ्रू रहेगा, तो अभी आपको अगर चाहिए तो आप जो है वो इसको डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे बग्स वगैरह देखने को मिलेंगे. बट अगर आपको एक स्टेबल अपडेट चाहिए तो उसके लिए आपको जो है वो वेट करना होगा. अक्टूबर 2021 को जो है वो स्टेबल अपडेट जो है वो रिलीज़ किया जाएगा और ऐसा बताया जा रहा है कि हर साल के अक्टूबर को जो है वो एक नया अपग्रेड और स्टेबल अपडेट जो है वो रिलीज़ किया जाएगा विंडोज़ 11 की तरफ से, विंडोज़ की तरफ से. तो देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है. ऐसा बोला जा रहा है कि इस बार जो UI है उसमें चेंजेस किए गए हैं, ऐप के आइकन से उसमें भी चेंजेस किए गए हैं, डार्क कोड में थोड़ा बहुत जो है कस्टमाइजेशन जो है वो किया गया है और थोड़ा लाइट बनाया गया है, और यहाँ पे आपको जो है वो वायरस और डिफेंडर जो विंडोज़ डिफेंडर है उस पर भी थोड़ा वर्क किया गया है. तो ओवरऑल विंडोज़ 11 जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है. सो गाइज, अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ 11 के जो वॉलपेपर है वही लीक होकर आए हैं और बहुत सारे वॉलपेपर जो है वो लीक होकर निकल गए हैं. तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे गूगल ड्राइव का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं. सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा.